देवी प्रश्नी की तपस्या से प्रसन्न होकर नारायण स्वयं उनके सामने प्रकट हुए, पर प्रश्नी को जब तक विश्वास नहीं हुआ कि उनके सामने साक्षात नारायण ही खड़े हैं, उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। आंखें खोलो देवी, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं श्री हरि विष्णु स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ। नहीं देव, मैं आंखें नहीं खोलूंगी। देवी, कैसी स्त्री हो तुम? स्वयं श्री हरि तुम्हारे सामने प्रकट हुए हैं और तुम उनके दर्शन भी नहीं करना चाहती? मैं कैसे मान लूं कि आप ही मेरे आराध्य श्री हरि विष्णु ही हैं? आप कोई भी छली हो सकते हैं जो मेरी तपस्या भंग करना चाहता है। मैं तुम्हारी तपस्या भंग करना चाहता हूँ? अच्छा बोलो, मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं ही तुम्हारा आराध्य श्री हरि विष्णु हूँ? यदि सचमुच आप मेरे आराध्य हैं, तो आप मुझे वचन दीजिए कि मैं आपसे जो मांगूंगी आप देंगे, क्योंकि श्री हरि जो वचन देते हैं उसे अवश्य पूरा करते हैं। तो ठीक है देवी, मैंने वचन दिया, अब तो आंखें खोलो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुशेषं विश्वहारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभं। देव, मेरे आराध्य श्री हरि, प्रभु आपने इस तुच्छ नारी को साक्षात दर्शन दिए। देवी, तुम्हारी सच्ची भक्ति मुझे यहाँ खींच लाई। अब बताओ तुम क्या मांगती हो? धन, वैभव, अमरत्व, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे धन वैभव कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मुझे आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। ये कैसी मांग है देवी? तुम जानती हो देवी कि मेरे जैसा इन तीनों लोकों में कोई नहीं है, फिर मैं अपना वचन कैसे पूरा करूं? तो आप स्वयं मेरे पुत्र बनकर आ जाइए प्रभु। ये क्या किया तुमने देवी? हरि को ही हरि से मांग लिया। तुम जितनी बड़ी भक्त हो देवी, उतनी ही ममता से भी भरी हो। तुम्हारी इस ममता पर प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं एक दो नहीं पूरे तीन जन्मों तक तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लूंगा। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं, मेरा जीवन सार्थक हुआ, आज मेरा जीवन सफल हुआ। प्रभु श्री हरि विष्णु की जय। जय हो प्रभु, जय हो आपकी। इस तरह भगवान विष्णु ने अपना वचन निभाया। उनके वरदान से उस जन्म में भगवान विष्णु प्रश्नी गर्भ के नाम से उनके बेटे के रूप में जन्मे। फिर अगले जन्म में जब माँ प्रश्नी अदिति और वसुदेव कश्यप ऋषि के रूप में जन्मे, तब विष्णु भगवान वामन अवतार के रूप में उनके बेटे बने। और फिर द्वापर युग आया जब प्रश्नी ने देवकी के रूप में जन्म लिया। और अब समय आया बाल गोपाल के जन्म का। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब भगवान मानव अवतार लेते हैं ताकि धर्म की स्थापना हो सके। और द्वापर युग में भी ऐसा ही हुआ। जाने कितने ही दैत्य, दानव और राक्षस मानव शरीर पा चुके थे, और अब उनका बस एक ही संकल्प था, धरती से मानवता और धर्म का अंत। मथुरा के महाराज उग्रसेन का बेटा कंस ऐसी ही कोशिश में लगा था। कंस तीनों लोगों को जीत कर खुद ईश्वर बनना चाहता था, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। रहम करे सरकार, रहम करे, हम और कर नहीं दे पाएंगे। रहम करे। अरे कितना कर दे हम, कैसे दे? गांव में सूखा पड़ा, एक दाना अन्न नहीं हुआ, गाय बैल
सब आपके आदमी पहले ही ले गए सरकार, अपने कंधों पे जुआ रख के हमने हल चलाया था, खून पसीना बहा दिया, पर ऊपर वाले का कूप हो गया तो हमारा क्या कसूर है मालिक? और ये कौन है? ये जो कैनों से सजी हुई है, ये हमारी बेटी है युवराज। इसका ब्याह करने जा रहे थे, बरसों एक एक पाई जोड़ के ये सब इसी दिन के लिए रखा था। तो इसका मतलब है अगर अगर तुम्हारी ये बेटी ही नहीं रहेगी तो तुम्हें तुम्हें इन गहनों की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? ठीक कहा ना? ये क्या कर रहे हैं सरकार? सरकार सरकार, ये हमारे गलीजे का टुकड़ा है। नहीं निकाल सरकार। नहीं सरकार, रुक जाइए। नहीं 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 सरकार। कंस में कंस, तुम्हारा होने वाला महाराज, तुम्हारा भगवान, भगवान हूं मैं। और अपने भगवान को हविष्य नहीं चढ़ाओगे तो जियोगे कैसे? अगर तुम अपने भगवान को खुश नहीं रख सकते तो तुम्हें जीने का भी कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। सेनापति, जला दो पूरा गांव, मशाले फेंको इनके झोपड़ों पर, जला के राख कर दो। चलो।